गाइस कैसे हो सब। तो हम आज आपके लिए एक और नई वीडियो लाए हैं। तो आज हम खड़े हुए हैं स्कोडा में, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, पर हम आपके लिए लाए हैं स्कोडा कोशैक का मोंटी कार्लो एडिशन। अब मोंटी कार्लो एडिशन इन्होंने लॉन्च तो कर दिया, देखते हैं इसमें अलग क्या है। रेड कलर में ही आता है, उसकी जो थीम है, थीम आपको इसमें रेड और ब्लैक में कर दी गई है। आपको देखोगे छोटे छोटे पॉइंट्स में डिटेल दी हुई है कि आप रेड और ब्लैक की थीम कर दी गई हुई है। फ्रंट की तरफ बढ़ते हैं, वही अपने पुराने जो हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं। एक प्रोजेक्टर है, सिंगल प्रोजेक्टर है, और यहाँ पे हैलोजन है। इसका सेटअप स्मोक किया गया हुआ है इसको अंदर से, और यहाँ पे स्लीक इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं आपको। और ये देखो भाई, ये जो नोज़ ग्रिल है ये काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये स्कोडा का लोगो है, और नीचे की तरफ फेंडर्स में कुछ चेंज किए गए हैं थोड़ा बहुत स्टाइल बढ़ाने के लिए। और ये रहा भाई, इसमें फॉग लैम्प जो है नीचे की तरफ आता है, ये रहा फॉग लैम्प इसका। और ये रहा नीचे की तरफ स्कर्टिंग्स कुछ दी गई हैं उसको इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि कुछ अलग दिखे नॉर्मल कोशैक से। साइड लुक में आप बात करोगे, इसमें जो अलॉयज हैं उसको चेंज कर दिया गया है, डायमंड कट अलॉय व्हील कर दिया गया है। इसमें 2, 5, 55, 8, 17 के इसमें अलॉय व्हील कर दिए गए हैं, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। नॉर्मल वाले की मैं दिखाऊँगा आप, ये रहा कोशैक का बेस मॉडल, इसमें कुछ इस तरीके से आते हैं। मोंटी कार्लो है, इसमें थोड़ा सा चेंज की है। यहाँ पर मोंटी कार्लो की बैजिंग, और यहाँ पर इस तरीके का लोगो मिल जाएगा। और ये जो रहा आपका, ये अपना ORVM जो है ब्लैक कर दिया गया है, और नीचे लाइट्स के साथ, रनिंग लाइट्स के साथ मिल जाता है आपको। अब हम इसका थोड़ा सा पीछे आपको साइड लुक देते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर फिनिश दी गई हुई है, सिल्वर फिनिश दी गई हुई है। यहाँ से पढ़ेंगे पेट्रोल को कौन। अब पीछे की साइड लुक देखोगे आप, इस साइड इस स्टाइल का आपको इसमें पीछे की बैक लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे स्कोडा स्मोक कर दिया गया है, पूरा ब्लैक कर दिया गया है। यहाँ कोशैक भी पूरा क्रोम नहीं है, पूरा ब्लैक कर दिया गया है इसको। और इसमें क्रोम हाई लाइट्स तो उसको पूरा ब्लैक कर दिया गया है। पीछे 3 सेंसर्स मिल जाएंगे आपको इसमें, और पीछे से काफ़ी अच्छी लगती है। ऊपर शार्क फिन एंटीना और स्पॉइलर मिल जाता है आपको ऊपर की तरफ, हाई स्टॉप लैंप यहाँ पे, और ये वाइपर और डिफॉगर है। अब हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर आप जैसे देखोगे तो नाम जैसे इसका मोंटी कार्लो है, मोंटी कार्लो में आपको रेड और ब्लैक का थीम मिल जाएगा, और यहाँ पे लेकिन सिल्वर की फिनिश दी गई मेरे, और यहाँ पे कुछ लेदर दी गया है, लेदर का स्ट्रेच मार्क दिए गए हुए हैं। हम इसको थोड़ा सा लाइट ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मिरर से कंट्रोल दिए गए हैं। अब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हो आप फैब्रिक सीट्स जो हैं उसमें थोड़ा सा लेदर स्ट्रेच दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ब्लैक एंड रेड में थीम है पूरी कार की। और सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे भी एसी वेंट्स के पास में भी जो यहाँ पे पूरा रेड कर दिया गया है, लेकिन जो बाहर रेड है और जो अंदर रेड है, ये मेरे ख्याल से मैरून लग रहा है मेरे को। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, बैठते हैं कॉकपिट में। जैसे बैठेंगे तो थोड़ा सा 2-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल कर सकते हो अपना। और ये नया फीचर है, इसको यहाँ से अपना कंट्रोल सकते हो, लेकिन और गाड़ियों में आप यहाँ बटन से भी कर सकते हो, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पर कंट्रोल देखते हैं, लाइट से कंट्रोल है यहाँ पर, आप यहाँ लाइट के कंट्रोल अपने आप कर सकते हो, ऑन ऑफ, बीम हाई लो कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर लाइट का थ्रो आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये रहे वाइपर से कंट्रोल। और यहाँ पे थोड़ा स्टेयरिंग में आपको लेदर एड फिनिश मिल जाएगी, रेड स्ट्रेच के साथ आपको मिल जाता है इसमें। और ये रही भैया 10 इंच की डिस्प्ले जो है, अभी हम कार को ऑन करते हैं। इसका जो ऑन वॉल करने वाला स्विच है, यहाँ से उसको ऑन करेंगे, की नॉट डिटेक्टेड, होल्ड द, ये रहा भैया स्कोडा का लोगो ऑन होने के बाद आता है। अभी इसको बंद करते हैं गेट को। भाई थर्ड साउंड बहुत अच्छी है, सेफ्टी रेटिंग में इस कार का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन जो रेड थीम आप देख रहे हो यहाँ पे, ये भी कर दिए गए। इसका जो आप थीम देखोगे, थीम जो है उसको भी पूरा रेड कर दिया गया है। ये देखो पूरा कंसोल आपको पूरा रेड कर दिया गया है। अब हम बढ़ेंगे इस साइड, तो हमारा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी पूरा रेड कलर का थीम कर दिया गया है। हम इसके सेटिंग में चलते हैं, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल क्लारप्ले, स्क्रीन आउट, ऑटो ऑफ, ऑडियो का जो कंट्रोल है आप यहां से भी कर सकते हो, बास मतलब ट्रेबल, आप यहां से ऑडियो की मिक्सिंग भी कर सकते हो, कॉल लगा सकते हो अपना। तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इससे भी शायद अट्रैक्शन ऑन ऑफ हो गया, अट्रैक्शन ASR ऑफ हो गया है। इसमें
अब ये मैनुअल मैनुअल में आती है, मैनुअल माई स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर, और ये रहा भाई वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन, इसको हमने बंद कर दिया। ये भाई एक सेकंड, ये रहा भाई अपना अट्रैक्शन ऑफ करने का, ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं। और ये देखो एसी के कंट्रोल यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ से अपना पावर बढ़ा सकते हो। और ये रेड फिनिश पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरी रेड फिनिश मिल जाएगी आपको, पूरी रेड फिनिश है। यहाँ 12V का चार्जर है, 12V का सॉकेट मिल जाएगा, ये देखो 12V का सॉकेट, अंदर USB पोर्ट मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक एयर केयर के साथ मतलब एयर प्यूरीफायर भी शायद इसमें ऐड कर दिया गया है। अब ये देखो पूरी स्ट्रेच, और ये पूरा पूरा जो है आपको रेड में मिल जाएगा, ये थोड़ा सा कार्बन फिनिश में मिल जाएगा, ये थोड़ा मैट फिनिश में है, ऊपर ग्लॉस है, ऊपर थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है यहाँ पे, और नॉर्मल वही RPM IRPM मिल जाते हैं, ये अपने हिसाब से सेट होते हैं। यहाँ पे अपना सनरूफ अपने आप खोल सकते हैं, उसको लाइट ऑन ऑफ। अब हम बात करते हैं इस साइड, तो इस साइड आपको नॉर्मल है, ये रहा वैनिटी मिरर, इसमें मिल जाएगा आपको सेम थीम, उस साइड भी है, उस साइड भी देखोगे आपको रेड के रेड मिल जाएगा, रेड चारों तरफ है, और वहाँ पे हैंडल भी दे दिया गया है, वहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेस है। ग्लव बॉक्स हम खोलते हैं, ग्लव बॉक्स में आपको थोड़ी अच्छी जगह मिल जाएगी, अपना सामान रख सकते हो। एसी इवेंट्स में आपको इसमें थोड़ा मेरे को सिल्वर फिनिश मिलेगी, जो कि काफ़ी देखने में अच्छी खूबसूरत लग रही है। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पे स्कोडा के अपने वही स्कोडा के साउंड मिल जाते हैं, वही नॉर्मल वाले अपने दो, एक यहाँ पे दो ट्विटर की प्लेसमेंट हो गई, और यहाँ पे ये ग्लास दो, ये मिल गए दो, गेट पे मिल गए दो, दो चार चार स्पीकर, दो ट्विटर का इसमें कनेक्शन मिल जाता है। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, गेट काफ़ी हैवी है भाई इसके, पीछे की तरफ हम चलते हैं, तो पीछे की तरफ आपको भी वही रेड थीम मिल जाती है। यहाँ पे देखो रेड स्ट्रेच पूरा, फाइव फैब्रिक सीट्स हैं आपको इसमें मिल जाएंगी। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ पीछे अभी कार न्यू है, अभी न्यू एडिशन है, लॉन्च हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा हैंडरेस्ट आपको थोड़ा दूसरे स्टाइल का मिल जाएगा, ये आगे चला जाता है, ये पीछे चला जाता है। अब यहाँ पे एसी वेंट्स दिए गए हुए हैं पीछे की तरफ, और ये रहे भाई अपने कप होल्डर्स पीछे की तरफ, आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ पे अपना रख सकते हो। यहाँ पे भाई काफ़ी दो ग्लास होल्डर मिल जाएंगे, उस तरफ आप देखोगे वही थीम है, इस तरफ लेदर स्ट्रेच मिल जाएगा आपको, और भाई इंटीरियर कुछ आगे से इस तरह दिखता है, जो कि काफ़ी मेरे को प्रीमियम लगता है इसका इंटीरियर, जो कि इस बार काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरा रेड थीम, रेड और ब्लैक का थीम काफ़ी इन्होंने अच्छा यूज़ किया है। और इस रूम में आपको सनरूफ मिल, नॉर्मली सनरूफ आती है, ये देखो सनरूफ, सनरूफ तो हर में आती है, लेकिन हम इसको बंद करते हैं। और यहाँ पे एयर बैग की बैजिंग, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हैंडल मिल जाएगा, हैंडल मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं बूट खोल कर देखते हैं बूट में, बूट कैसा मिलता है हमको। इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, कॉम्पिटिटर्स आपकी किया हो सेल्टॉस, क्रेटा, और ये सारे आपकी एस्टर हो गए, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर। हमने बूट ओपन कर दिया भाई, इतनी बूट स्पेस आपको मिल जाती है इसमें, और इसमें आपको थोड़ा सा टूल किट मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा रीडिंग लाइट मिल जाएगी आपको, अच्छी बात है काफ़ी। और यहाँ पे पार्सल ट्रे भी साथ में मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ से वन टच नहीं है, आपको इसे हाथ से ही बंद करना पड़ेगा। अब इसको हम बंद करते हैं, अब हम चलते हैं इस तरफ। भाई ये था डिटेल रिव्यू ऑफ मोंटी कार्लो एडिशन जो है स्कोडा कोशैक का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।